विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में आज फरीदाबाद में कांग्रेसी दिग्गज इकट्ठा हुए और हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष का यह कार्यक्रम ना होकर एक रैली के रूप में बदल गया, जिसमें काफी संख्या में भीड़ नेताओं को सुनने पहुंची। कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत दर्जनों नेता, जिसमें पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और अभिनेता शामिल रहे। धन्यवाद करता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने हमारे कर्मठ साथी, जो जमीन से जुड़े हुए साथी हैं, उदय भान जी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए। मैं उनका आभारी और आज मैं महसूस कर रहा हूँ जो आज हुआ, ये एक विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम नहीं रह गया, ये तो एक रैली में बदल गया। इतनी महान रैली और लगता है मेरे को ये बिजली संकट रैली बन गई है। जो आज हमारा बिजली का संकट है, जो आप देख रहे हैं सभी तफसील में उदय भान जी ने बता दिया, 2005 में हमारी सरकार आने से पहले कुल अपना उत्पादन 1587 मेगावाट था हरियाणा में 2005 से पहले, लेकिन 2014 तक हमारा उत्पादन 5000 मेगावाट और बढ़ाने का हमने काम किया, तकरीबन 8000 के करीब अपना उत्पादन हुआ और कुल उपलब्ध बिजली जो 2005 में सारी सोर्सेस से, सारे समझौतों से, सेंटर से, सबसे 4000 मेगावाट उपलब्धि 2014 में हम कोई तकरीबन 11000 मेगावाट बिजली छोड़ के गए थे, हरियाणा में सरप्लस थी। आज कितनी मांग है, आज मांग मैं अखबार में पढ़ रहा था, शायद 8000 या 8500 मेगावाट की मांग है हरियाणा में, लेकिन वो भी बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे। क्यों? क्योंकि जैसे इंद्रवान जी ने बताया, एनटीपीसी का जो प्लांट लगा जज्जर में, उसमें 750 मेगावाट हमारी थी। आप देखे गुजरात में जब उद्योगपतियों की मीटिंग हो रही थी तो वहां हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 750 बिजली है, और देखिए एनटीपीसी प्लांट की 750 मेगावाट तो हमारी इससे भी थी, वो उन्होंने दिल्ली को दे दी, कर दी हमारे लोग, हमारी सरप्लस बिजली है। भाई सरप्लस बिजली है तो आज क्यों समस्या हो रही है।